इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता उवैस अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। उवैस, जिस तरह से योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया, इसको लेकर सियासी बवाल तो मची रहा है। बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज भी इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो कितना इस आदेश का पालन हो रहा है, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल साफ है कि जब से योगी आदित्यनाथ ने यानी कि प्रदेश के मुखिया ने जब से यह आदेश जारी किया है तब से हलचल तेज है और राजनीति भी इस पर पूरी तेज होती हुई नजर आ रही है। बात चाहे बॉलीवुड के हस्तियों की जाए या फिर प्रदेश के और देश के नेताओं की जाए तो सभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जो मुसलमान लोग खास तौर पे जो दुकानें अपनी चलाते थे, अपने ठेले चलाते थे और वो हिंदुओं के नाम उस पर रखते थे, तो बहरहाल सी बात है कहीं ना कहीं आस्था को ठेस पहुंचती थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सावन का महीना अगर चल रहा है तो उसके अंदर वो प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन उस नाम को देखने के बाद, वो नाम पढ़ने के बाद अक्सर वहां पर लोग बैठ जाते हैं और फिर वो वहां पर प्याज का और लहसुन के द्वारा बनाए गए जो पदार्थ होते हैं, जो खाना बनता है उसको खा लेते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरी बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब से आदेश जारी किया है तब से सभी अधिकारी प्रदेश के सतर्क नजर आ रहे हैं। आपने तस्वीरें भी देखी होगी साफ तौर पर, अब जहां पर जो नाम लिखे हुए हैं खास तौर पर उनकी जांच भी की जा रही है। लगातार अधिकारी ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, जाने के बाद इस बात का भी निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिरकार जो FIS CIC जो प्रमाण पत्र जारी होता है खास तौर से भोजन यानी कि खाने के लिए, उस पर देख रहे हैं कि नाम किसका है। इसी को लेकर के अगर बात जमीयत उलेमा हिंद की जाए, फिल्म हस्तियों की जाए, तो वही जो सामाजिक संगठनों के अलावा अब ऐसे भी मुस्लिम संगठन सामने आने शुरू हो गए जिन्होंने अपनी कठोर निंदा व्यक्त की है, चाहे उसमें मौलाना अरशद मदनी हो। मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो मानवता है उसको शर्मसार करने वाली ये बात है, हिंदू की आस्थाओं से खेलने की वाली बात है, दो धर्म के आस्थाओं के बीच में एक दरार पैदा करने वाली बात है, तमाम तरह की इस तरह की जो बातें हैं वो मौलाना अरशद मदनी की तरफ से भी कही गई हैं। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इससे एक बड़े संकेत भी दे दिए और राजनीति में जो भोचाल है वो भी आ गया है, क्योंकि देखिए हिंदू वोट को एक साथ करने के लिए हो सकता है कि योगी सरकार का ये एक अहम फैसला हो और सारा हिंदू वोट एक पक्ष में करने वाली बात हो, लेकिन अगर इसको दूसरी नजर से देखा जाता है तो अखिलेश का PDA फॉर्मूला अब पूरी तरह से रद्द होता हुआ नजर आता है, क्योंकि लगातार जो मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया है ये बड़ी समीक्षा उन्होंने करने के बाद जारी किया है। ठीक है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं तो सामने आ रही है, कहीं ना कहीं सियासत भी देखने को मिल रही। तमाम सारी जानकारी के लिए आपका उवैस बहुत बहुत शुक्रिया।